दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि फेसबुक पे हम ऐसे बहुत सारे पोस्ट शेयर करते हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमारे कोई स्पेसिफिक फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स को ना दिखे। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे आप आपके किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव से आपके फेसबुक पोस्ट को हाइड कर सकते हैं। अब पोस्ट करते वक्त आपको यहाँ पे प्राइवेसी ऑप्शन पे टैप करना है। यहाँ पे टैप करने से आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे और यहाँ पे हम टैप करेंगे फ्रेंड्स एक्सेप्ट ऑप्शन पे। तो चले हम यहाँ से फ्रेंड सिलेक्ट करते हैं जिसे हम चाहते हैं कि वो ये पोस्ट ना दिखे। ये हमारा फ्रेंड सिलेक्ट हो चुके हैं, अब हम डन पे टैप करेंगे। उसके बाद हम फिर से डन पे टैप करेंगे। तो अगर अब आप ऊपर देखेंगे तो देख पाएंगे प्राइवेसी ऑप्शन पे पहले जो पब्लिक था, यहाँ पे अब आपके उस सिलेक्ट किए गए फ्रेंड का नाम दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आप चाहें तो एक से ज़्यादा फ्रेंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उनसे आपके फेसबुक पोस्ट हाइड कर सकते हैं। तो चले अब हम ये पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप हमारे प्रोफाइल पे देख सकते हैं, ये है हमारा लास्ट पोस्ट। अब हम दूसरे आईडी से देखेंगे तो यहाँ पे हम हमारे आईडी पे टैप करते हैं और थोड़ा सा नीचे जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कुछ और ही दिखा रहा है। इसका मतलब हमने ये जो पोस्ट इसे हाइड किए थे, इसीलिए ये पोस्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो ये आप देख चुके हैं कि पोस्ट करते वक्त कैसे आप अपने पोस्ट को दूसरे फ्रेंड्स या रिलेटिव से हाइड कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कैसे आप ऑलरेडी किए हुए पोस्ट को दूसरे फ्रेंड से हाइड कर सकते हैं। तो चले अब हम चलते हैं हमारे प्रोफाइल के थोड़ा सा नीचे और यहाँ पे हम इस पोस्ट को हाइड करेंगे। तो इसके लिए हमें जो करना है, थ्री डॉट पे टैप करना है। अब हमें टैप करना है एडिट प्राइवेसी पे। अब हमें यहाँ पे फ्रेंड एक्सेप्ट का जो ऑप्शन है इस पे टैप करना है। अब हम यहाँ से फिर से कुछ फ्रेंड को सिलेक्ट कर लेते हैं और आप चाहे तो बहुत सारे फ्रेंड भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये पोस्ट कोई भी फ्रेंड को ना दिखे, बस एक ही फ्रेंड को दिखे, तो आप चाहे तो सारे फ्रेंड्स को यहाँ से सिलेक्ट करके उस एक फ्रेंड को रख सकते हैं। अब यहाँ से हम बैक करेंगे। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे एक से ज़्यादा फ्रेंड सिलेक्ट हो चुके हैं। अब फिर से यहाँ पे हम बैक करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो हमारे प्राइवेसी पे पब्लिक आइकन से एक दूसरा आइकन हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके को फॉलो करके आप अपने फेसबुक पे कोई भी पोस्ट को आपके किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव से हाइड कर सकते हैं। आशा करते हैं हमारे ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पे। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।